सिखाने वाले हैं सर्कुलर प्लाजो की कटिंग। बहुत ही इजी से मेथड में, एक बार इसको देखोगे तो सभी साइज के आप बना पाओगे, वो भी बहुत ही जल्दी और आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर प्लाजो की कटिंग, उसके बाद दिखाएंगे स्टिचिंग। तो चलिए पहले हम आपको एक बार माप लेना बता देते हैं कि सर्कुलर में हम माप किस तरीके से लेंगे। जहाँ पे हम बांधते हैं, एक बार साइड हो जाओ कैमरे की तरफ, इस तरीके से, हाँ ऐसे। तो जहाँ पे हम बांधेंगे वहाँ पे निशान यानी कि इंची टेप को पकड़ लेंगे और उसके बाद नीचे तक टच करेंगे इंची टेप को। अब आप कितना पहनना चाहते हो, नीचे तक बिल्कुल पहनना चाहते हो या फिर ऊपर थोड़ा बहुत रखना चाहते हो एंकल में, उसके अकॉर्डिंग ही आप माप ले लोगे। यानी कि हम इनका बनाएंगे 37 का। तो अब हम एक माप लेंगे हिप का, यहाँ से हिप है इनकी 35। एक लेंगे हम बेल्ट का इलास्टिक के लिए, ये है 31। बस ये हमें तीन ही माप लेने हैं सर्कुलर प्लाजो की कटिंग के लिए। तो चलिए कटिंग दिखाते हैं। सो देखिए हमने फियोना का 3 मीटर फैब्रिक लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, बट ज़्यादातर ये जो फियोना हो गया, जॉर्जेट हो गया या फिर सेंटून हो गया, इस तरीके के फैब्रिक में बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो अब हमने इसको जैसे कि डबल फोल्ड किया हुआ है, इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको ट्रायंगल शेप में बिछाएंगे ऐसे। तो हम इसको एक बार अच्छे से ट्रायंगल शेप में बिछा लेते हैं। सो देखिए हमने ट्रायंगल शेप में इसको बिछा लिया है बहुत ही अच्छे से। एक बार आप कई बार ये बोलते हो कि आपका जो सर्कुलर है एक साइड से लटकता है और एक साइड से ऊंचा रह जाता है, तो उसका क्या कारण होता है? जब आप इसको ट्रायंगल शेप में बिछाते हो तो आपने हल्का सा यहाँ से खींच के बिछाना है। इसको ऐसे लूज नहीं छोड़ के रखना, इसको हल्का सा खींच के बिछाना है, क्योंकि ये यूरेव होता है और यूरेव हमेशा बढ़ता है। तो इसको हल्का सा आपने खींच लेना है जब आप बिछा रहे हो इस तरीके से। अब हम इसकी यहाँ से चौड़ाई लेंगे, यानी कि बेल्ट हमने कितनी रेडी करनी है वो लेंगे इलास्टिक वाली। तो वो हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? हिप के अकॉर्डिंग। हमारी हिप जैसे कि 36 है, उसका हम फोर्थ हिस्सा करेंगे। तो 36 का फोर्थ हिस्सा हो गया 9 इंच, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपको ज़रा सी लूजिंग चाहिए तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, वरना आप 1 इंच एक्स्ट्रा में काम चल जाएगा, क्योंकि ये यूरेव होता है। फिर से बताएंगे आपको, जब आप इसको ओपन करते हो तो बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। कहीं आप सोचो कि 1 इंच तो आपका सिलाई में ही चला जाएगा, तो लूजिंग भी चाहिए पहनने के लिए। तो ये आप यहाँ से जब इसको ओपन करोगे तो बहुत ज़्यादा इसकी चौड़ाई मिलेगी आपको। तो हमारी थी जैसे कि 9 इंच हिप फोर्थ हिस्सा करने के बाद, अब हम यहाँ से इक्वल फैब्रिक को देखते हुए 9 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 10 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, जो कॉर्नर है हमारा, इस कॉर्नर से हमने और ये निशान माप लेना है, 15 इंच आ गया। अब हमने 15 इंच पे पूरे राउंड पे निशान लगा लेने हैं, डबल सिलाई आपने इस तरीके से। अब हम राउंड को मापेंगे कि हमारा ये कितना हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये 11 के करीब चला गया, हमें चाहिए 10 इंच, तो ये ज़्यादा है। अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ राउंड का निशान लगा लेना है, यानी कि थोड़ा ही ज़्यादा है तो हमने थोड़ा ही ऊपर रखना है ये राउंड। अगर आपका कम होता तो आप नीचे की तरफ राउंड लगाते, बस इतना ही फर्क करना होता है। यहाँ से हम कटिंग का निशान लगाएंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाते हैं कि हमने लेंथ कितनी लेनी है। हमारी जो लेंथ है वो है 37, तो हम लेंथ कैसे लेते हैं, 1 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ निकालते हैं बेल्ट के लिए, उसके बाद जिसकी जितनी लेंथ है उतनी पे निशान लगा देते हैं। तो 37 हमारी लेंथ है, हमने पिको करनी होती है तो हम 37 ही लेंगे। अगर एक्स्ट्रा फोल्ड वगैरह करना होता तो हम एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन पिको में हम प्रॉपर पूरा ही ले लेते हैं। चाहो कि बिल्कुल ही परफेक्ट बैठे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, वरना पूरा लोगे तो भी परफेक्ट रहता है। दूसरा, इसमें हम नीचे की तरफ फोल्ड नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घेर होता है इसका और यूरेप में होता है, तो ये फोल्ड होता भी नहीं है। तो 37 में हमने निशान लगा दिया। अब हमने ये राउंड का निशान सब जगह लगाना है, लेकिन सब जगह लगाना है तो उसको हम किस तरीके से लगाएंगे, बहुत ही आसानी से। हमने ऊपर से इस निशान तक लेंथ माप लेनी है जो हमने 37 का लगाया था। तो अब जो 37 का निशान है वो हमने चेक करना कहाँ पे आया है।
50 एंड हाफ। तो 50 एंड हाफ पे हम सब जगह निशान लगा लेते हैं। डबल सिलाई आपने बिल्कुल लगा। तो इस तरीके से हमने ये निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। डबल सिलाई यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं। डबल सिलाई आपने बिल्कुल लगा। अब जो हमने यहाँ से अनइक्वल फैब्रिक का निशान लगाया था उसकी भी यहाँ से इक्वल कटिंग कर देते हैं। डबल सिलाई अगर आप घेर कम करना चाहो तो आप यहाँ से ऐसे माइनस करके कम कर सकते हो, और इतना ही रखना चाहो तो आप रख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, नीचे ज्वाइंट लगाएंगे क्योंकि हमारा ये फैब्रिक यहाँ से कम रह गया है, तो हम दोनों क्यों ना इक्वल ही ज्वाइंट लगा ले, तो जो एक्स्ट्रा इसको कट कर देते हैं। अगर आपके हाथ में बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग है तो आप छोटा बड़ा ज्वाइंट भी कट करके लगा सकते हो, लेकिन जब तक आपको थोड़ा सा कम आता है तो आप इस तरीके से इक्वल ज्वाइंट कर लीजिए और फिर ज्वाइंट लगाइए। अब हमारे पास जो ये फैब्रिक बचा था यहाँ पे, इसी में से हम ज्वाइंट लगाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी कन्नी आई है ज्वाइंट के यहाँ पे तो आप कन्नी वाला ही ज्वाइंट लगाइए। हम ज्वाइंट किस तरीके से लगाते हैं, यहाँ से इसको हमने ऊपर उठा लेना है, इसको हमने नीचे की तरफ रख लेना है। डबल सिलाई आप इसको अब हम ऐसे ऊपर की तरफ रख देंगे। अब हमने बिल्कुल इक्वल करना है इसको इस तरीके से, क्योंकि हमें नीचे वाला हिस्सा दिखेगा नहीं अगर हम ऊपर रखेंगे तो हम इसलिए नीचे रख लेते हैं। डबल सिलाई आपने बिल्कुल लगा, यहाँ से भी इक्वल कर देते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम ज्वाइंट कुछ इस तरीके से कट करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का हुआ। एक बार हम एक्स्ट्रा ही कट कर लेते हैं, जब इसकी स्टिचिंग कर लेंगे तो एक बार दोबारा से फिनिशिंग देंगे यहाँ। डबल तो ये हमारा ज्वाइंट भी कट हो चुका है यहाँ से। अब अगर देखा जाए तो ये हमारी स्कर्ट कट हो चुकी है। अगर कोई आपसे बोले कि हमने स्कर्ट बनवानी है इलास्टिक वाली, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। बस ये स्कर्ट ऐसे ही बनती है, ऊपर ओनली 4 इंच की पट्टी लेके इलास्टिक डालना पड़ेगा फोल्ड करके, बस आपकी स्कर्ट रेडी हो जाएगी। लेकिन अब हमने बनाना है इसको सर्कुलर प्लाजो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आसन कट करना है। तो आसन कैसे कट करते हैं, हम हिप का 4th हिस्सा लेंगे। हिप थी हमारी 36 इंच की, तो उसका 4th हिस्सा हो गया 9 इंच। उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हिप में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 1 इंच तो हमने ऊपर की तरफ निकाल देना है बेल्ट का, और 9 इंच पे निशान लगा के फिर 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना, यानी कि हमारा हो गया 11.5। तो हम 11.5 पे एक निशान इस तरीके से सीधा लगाएंगे यहाँ पे। अब ये निशान हमने 2.5 इंच अंदर की तरफ लगा लेना है। अब हमने ये निशान इस तरीके से तिरछा कर लगा देना है ऐसे, और इसकी हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा आसन कट हो जाएगा। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। डबल ये हमारा आसन भी कट हो चुका, समझ आया सबको। एक गलती नहीं करनी आपने, कई बार स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, जैसे 2.5 यहाँ से लिया 2.5 यहाँ से ले देते हैं, फिर आपकी ये चीज बहुत कम हो जाएगी। हमने पहले ही पूरी पूरी ली हुई है, तो आपने यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से मिलाना है, यहाँ से 2.5 लेना। बहुत हैवी साइज है, 3 इंच ले सकते हो, वरना अगर कम है तो यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो। बस ये होता है इसका मेथड। इसमें हमने एक क्या चीज की, ओनली सारा का सारा प्लाजो हिप के अकॉर्डिंग कट किया है, चौड़ाई भी और आसन भी। हमने कहीं भी बेल्ट का यूज नहीं किया। बेल्ट का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे इलास्टिक लगाते हैं। तो इलास्टिक लगाने के लिए हम एक पट्टी कट कर लेते हैं जो कि हमारी 4 इंच चौड़ी रहेगी। डबल सिलाई तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसी में से हम पट्टी कट कर लेते हैं इलास्टिक लगाने वाली। डबल सिलाई आपने बिल्कुल लगा, एक्स्ट्रा होएगी उसको हम बाद में कट कर देंगे। ये हमारी ऊपर की पट्टी हो जाएगी। बस हमारा सर्कुलर प्लाजो कट हो चुका है। सबको समझ आ गया? हाँ, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था। तो इसमें हम एक बार इनर और लगाएंगे। तो इनर को हम किस तरीके से कट करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। हम ऐसे कैसे ऊपर रख के इनर को कट कर लेंगे,
उसकी जो लंबाई है वो 2 इंच कम रखेंगे, इससे 2 इंच कम रखेंगे इनर की, बाकी सेम कटिंग होएगी यू की यू। और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो स्टिचिंग दिखाते हैं आपको। सो देखिए, जैसे कि हमने मेन जो फैब्रिक था वो तो कट कर लिया था सर्कुलर में, अब आपको इनर कैसे कट करते हैं वो भी सिखा देते हैं। तो हमने इनर को भी ऐसे ही प्रेस करके ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है, 3 मीटर हमने इनर लिया है। अब इसको हमने जो मेन फैब्रिक है हमारा अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। हमने प्रॉपर तरीके से इसको बिछा लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल इक्वल कटिंग कर देंगे और नीचे से हमने ओनली निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने इसको 2 इंच छोटा कट करना है, तो इसलिए नीचे तो हम निशान निशान लगा लेते हैं, यहाँ से प्रॉपर कट कर लेते हैं। डबल सिलाई आपने बिल्कुल लगाना, इसको उठा लेते हैं और जहाँ से हमने निशान लगाया था उसके ऊपर से 2 इंच ऊपर से कट कर लेते हैं। डबल सिलाई आप अब यहाँ से भी हल्की सी फिनिशिंग दे देंगे। डबल सिलाई आपने बिल्कुल लगाना, अब इसके नीचे ज्वाइंट लगाएंगे जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है। तो ज्वाइंट हमने कैसे लगाना है, बिल्कुल इक्वल रख लेना है फैब्रिक को और यहाँ से ऐसे उठाते हुए ज्वाइंट के साथ, यानी कि 1/2 इंच हमने मार्जिन के लिए नीचे दबाना है और इसको कट कर लेंगे। डबल सिलाई आपने सिंपल सब कटिंग कर सकते हो, अगर इनर वाला भी कट करना हो तो ऐसे ही करना है। तो चलिए, हमारा इनर भी कट हो चुका है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से जो ये पीस है, ये ज्वाइंट है हमारे, इनको जोड़ लेना है। हम जोड़ते कैसे हैं, अगर एक ज्वाइंट को हमने ऊपर की तरफ जोड़ा, यानी कि ये ज्वाइंट हमारा इस तरीके से जोड़ेंगे, ये नीचे की तरफ गया, तो जो दूसरा हमारा ज्वाइंट है वो हमारा ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे जोड़ते हैं हम, तब जाके इक्वल बैठता। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से, जैसे कि हमने वो नीचे की तरफ रखा था, तो हमने इसको ऐसे ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से। एक हिस्सा आप सीधा भी ऐसे बिछा के देख सकते हो, एक हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका, यहाँ से ये राउंड है, वहां से आपका ऊपर वाला हिस्सा हो गया, दोनों आसन हो गए। तो यहाँ से हम इस हिस्से को रखेंगे, एक अगर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ रखा तो ये ऊपर की तरफ रखते, इसके भी सिलाई लगा लेते। तो देखिए, हमने ज्वाइंट लगा लिया है एक हिस्से पे, अब हमने क्या करना है, इसको कच्ची सिलाई लगाना चाहो लगा सकते हो, वरना ऐसे के ऐसे रख के इस तरीके से हमने इसको रख लेना है। आप ध्यान रखना कि इस तरीके से अगर आपके ज्वाइंट या तो आगे की तरफ ही आए, मतलब एक साइड आनी चाहिए, यानी कि एक जो हमारी लेग है उसमें आगे आ गई, एक लेग में पीछे की तरफ आ गया, तो इस तरीके से हमने नहीं करना। तो ऐसे हमने रख लेना है इनर के साथ मिलाते हुए आसन को, सेम हमने फिर से मेन फैब्रिक को रखना है। यहाँ से हम दोनों आसन स्टिच करेंगे पहले, तो ऐसे हमने जैसे मेन फैब्रिक और इसको रख लिया है, फिर वापस से एक जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखेंगे। डबल सिलाई आपने बिल्कुल लगा, अब हमने यहाँ से ऐसे करके इसको रख देना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। हाँ, ऐसे हमने दोनों आसन स्टिच कर लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ से जो हमारा ये घेर है इसको स्टिच कर लेना है, पूरे घेर को हमने यहाँ से फोल्ड कर लेना है ऐसे करके इस तरीके से पूरे राउंड को। और उसके बाद हमने क्या करना, दोनों हिस्से जैसे हम फोल्ड कर लेंगे, साइड से सिलाई लगा लेनी है कच्ची, एक एक हिस्से को पकड़ के कच्ची सिलाई लगा लेनी है, ऐसे ऐसे ही इधर लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेफा तैयार करेंगे इसका, इसको सेंटर से आसन को आसन पकड़ते हुए मिला के दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। आप ध्यान रखना ये ज्वाइंट आपके एक तरफ आने चाहिए, यानी कि हम इसको पीछे की तरफ लेते हैं जब पहनते हैं, ज्वाइंट को पीछे की तरफ लेते हैं कभी भी पहने जब, तो आपके ज्वाइंट एक तरफ आने चाहिए, ये ध्यान रख लेना। यानी कि
मतलब जो इनर है और मेन फैब्रिक है उसके एक तरफ फोल्ड रहे हैं। नहीं, इस हिस्से पे इधर ज्वाइंट आया तो इस हिस्से पे भी इधर आना चाहिए। कई बार क्या होता है फैब्रिक का पता नहीं चलता उल्टा सुलटे का, और आपका एक हिस्सा पीछे चला जाता है एक आगे चला जाता है, उसके लिए बोल रहे हैं। तो ये एक पे आना चाहिए। हम फिर उसके बाद जैसे ही नेफा तैयार कर लेंगे, नेफा सिंपली हमने तैयार करना 4 इंच की पट्टी लेनी है, और उसको जैसे सलवार का नेफा तैयार करते हैं वैसे ही तैयार करना है। कितना चौड़ा फोल्ड करना है, जितना हम इलास्टिक लेंगे, इलास्टिक जितना चौड़ा हमने नेफा लेना है। तो उसके बाद हम इलास्टिक कितने साइज का डालेंगे, जितनी हमारी कमर है, पूरे में अगर इलास्टिक डालना है तो जितनी हमारी कमर है उसमें से 4 या 5 इंच कम कर देंगे और उतना इलास्टिक डाल देंगे। जैसे ही हम ये इलास्टिक डाल देंगे उसके बाद हमने यहाँ से गिद्री वाली सिलाई लगा देंगे, ये पक्के वाली। उसके बाद एक बार चेक करेंगे दोबारा से कि आपका जो सर्कुलर है वो अच्छे से नहीं है। ये फैब्रिक तो फिर भी कम लटकेगा, कई फैब्रिक सर्कुलर प्लाजो में ऐसे होते हैं कि वो लटकते हैं एक साइड से, यहाँ से लटकते हैं, गिद्री वाले हिस्से से नहीं, यहाँ से, क्योंकि यही रेब वाला हिस्सा होता है, गिद्री वाले हिस्से से नहीं लटकेंगे यहाँ से, तो बल्कि ऊंचे उठ जाते हैं कई बार। तो इसमें आपने क्या करना है, 1-2 घंटे के लिए इसको टांग के रख देना है किसी भी हैंगर में, और जितना भी ये लटकता है उसके बाद इसकी दोबारा से कटिंग की शेप देनी है, फिर आपने पिको करनी है। तो चलिए एक बार हम इसको रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। सो देखिए ये इनका सर्कुलर कंप्लीट हो चुका है, ये इनका फाइनल लुक है। अभी पिको बाकी की नहीं है, बट बहुत ही फिनिशिंग से बना है। और अब आपके माइंड में होगा कि जो मैडम ने डाल रखा, एक बार आप प्लीज अब साइड हो जाओ, कि ये कैसे बना हुआ, ये भी सर्कुलर ही है। जो मैंने आपको अभी सिखाया कि किस तरीके से बनाया हमने सर्कुलर, वैसे ही डबल सर्कुलर कट करना, यानी कि एक किस्म से ये समझना कि इनर वाला सर्कुलर कट कर रहे हो, डबल सर्कुलर कट करना और उसको स्टिच कर देना। ऊपर वाली जो लेयरिंग है उसको छोटा कर देना, बड़े वाली को बड़ी रखना, लेकिन थोड़ा तिरछे में कट कर देना, बस बन जाएगा ये भी आपका। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा सर्कुलर बनाना। तो आप भी बिल्कुल ट्राई करना। थैंक यू।